हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप? अच्छे होंगे। और दोस्तों हम लोग भी यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। और दोस्तों आज हम उपस्थित हैं एक नई रेसिपी के साथ। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ पास्ता फ्लोरिडा के बारे में। तो दोस्तों आज आपको बता रहा हूँ कि फ्लोरिडा पास्ता कैसे बनता है। तो तैयार है हमारा फ्लोरिडा पास्ता। का मतलब होता है, फ्लोरिडा का मतलब फूलों से ढका हुआ, यानी फूलों का क्षेत्र। यहाँ पर बहुत सारे फूल होते हैं, उस जगह का नाम फ्लोरिडा है। फ्लोरिडा एक ऐसा देश है जो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है, जिसका नाम फ्लोरिडा है। और फ्लोरिडा के नाम से ही लोगों ने इस पास्ता का आविष्कार किया हुआ है, जिसका नाम है फ्लोरिडा। तो फ्लोरिडा पास्ता में आज हम बनाने वाले हैं स्पेगेटी फ्लोरिडा। तो इस तरह से दोस्तों हमारा पास्ता है स्पेगेटी। और अब हम इसमें डालने वाले हैं विभिन्न प्रकार के आइटम, जैसे ग्रीन जुगनी हो गया, येलो जुगनी हो गया, कैप्सिकम येलो हो गया, रेड हो गया, ग्रीन हो गया। और अब हम इसमें डालने वाले हैं एक सॉस जो एकदम रेड कलर की होती है, इसे हम टमाटो सॉस भी कहते हैं, या अरबिता सॉस होती है, या हमारी मेरीनारा सॉस होती है। तीन प्रकार की हमारे पास सॉस होती है। तो हम बनाने वाले हैं इस सॉस में फ्लोरिडा पास्ता। तो पास्ता बॉईल करने के लिए दोस्तों हमारा पानी हो गया एक राउंड मॉडल पे गरम। और अब हम इसमें डालने वाले हैं पास्ता। और ये पास्ता हमारा 10 मिनट में बॉईल हो जाता है। इस तरह से हमने पास्ता इसमें बॉईल कर दिया है, ये हो जाएगा 10 मिनट में बॉईल। तो दोस्तों हम फ्लोरिडा पास्ता में डालने वाले हैं इस तरह से वेजिटेबल, जो कि हमने इस तरह से काट दिया है। ये हो गया हमारा बेल पेपर, मशरूम और जुगनी। तो दोस्तों अब बनाने वाले हैं पास्ता फ्लोरिडा। तो दोस्तों हमने डाल दिया है गार्लिक ऑलिव ऑयल इस तरह से। और अब हम बना रहे हैं पास्ता। और दोस्तों अब हम इसमें ऐड करने वाले वेजिटेबल। ये वेजिटेबल को हम केवल 20 सेकंड तक पकाते हैं। ओ दोस्तों इस तरह से बन गया हमारा पास्ता फ्लोरिडा। तो दोस्तों इस तरह से बन गया हमारा पास्ता फ्लोरिडा, जो कि गेस्ट के लिए एकदम रेडी है। तो दोस्तों बने रहिए फिर हमारी वीडियो में, देखते रहिए हमारी वीडियो को और लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।